हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। गाइस आज मैं बताऊंगा आपको, दो ट्रिक्स बताऊंगा कि जो GTA 5 उसको रिज्यूम करके कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। बार बार रिज्यूम करें, बार बार डाउनलोड करें, कोई इशू नहीं है। व्हाट्स गोइंग ऑन गेमर्स। तो भाई जैसे कि खुशखबरी ये है कि एपिक वालों ने 21 मई तक हमारी ये जो GTA 5 है ये फ्री कर दी। प्रीमियम एडिशन आप फ्री में बाय कर सकते हो, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। जाओ अपना अकाउंट बनाओ एपिक लॉन्चर पे और इसको फ्री में डाउनलोड करो, सही है। और साथ साथ आपको मिलेगा $10 का कूपन, जो कि ये रहा जो सबको मिला है यहाँ पे, ये आपको दिखाता हूँ। ये देखो कूपन $10, जैसे भी आपको कोई गेम बाय कर सकते हो जो मेगा सेल में लगी हुई है। तो चलो यार, जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो एपिक लॉन्चर पे जो लाइक गेम्स हम डाउनलोड करते हैं, हैवी भी गेम्स हैं, वो एक दफ़ा में हर बंदा डाउनलोड नहीं कर पाता क्योंकि इंटरनेट अच्छा नहीं है, जैसा कि मेरे वाला। तो रिज्यूम की प्रॉब्लम आती है, जब हम दोबारा कंप्यूटर चलाते हैं तो गेम्स वहीं से स्टार्ट होती है अगेन। जैसे कि ये मेरे साथ हो चुका है, मैं ये गेम 11 से 12 GB डाउनलोड कर चुका था, तो फिर अभी मैंने दोबारा चलाया तो मुझे दोबारा करनी पड़ रही है। तो इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन, उसके दो सोल्यूशन बताऊंगा आपको, दोनों ट्रिक्स काम करती हैं, वर्किंग ट्रिक्स हैं दोनों। तो चलो पहली ट्रिक की तरफ चलते हैं, जो सबसे ईजी सिंपल है वो ये है कि आपने जाना है यहाँ सेटिंग्स में, जो आपके एपिक लॉन्चर की सेटिंग्स हैं। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है रन व्हेन मे कंप्यूटर स्टार्ट्स, इसको आपने टिक कर देना है। मतलब मेरा पहले ऐसे था ये, ठीक है, तो आपने इसको टिक कर देना है, बस पीछे हो गया। अब आपने गेम पॉज नहीं करनी, ये नहीं अगर पॉज करके जाओ, नहीं पॉज नहीं करनी, इसको डायरेक्ट बंद करना है यहाँ से, या फिर आप टास्क मैनेजर से भी बंद कर सकते हो इसको, डायरेक्ट यहाँ से एंड टास्क कर सकते हो, सही है। और कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लेना, आपकी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप जाओगे भाई साहब अपने फोल्डर में जहाँ पे आपकी गेम हो रही है डाउनलोड। तो चलते हैं, ये फोल्डर हमारा आ गया, ये मेरी गेम डाउनलोड हो रही है, ये देखो इसमें ये फोल्डर पड़ा होगा आपका, जिसमें ये आपका सारा डाटा सेव हो रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस फोल्डर को कॉपी कर लेना है, सही है, और इसको आपने किसी और ड्राइव में सेव कर लेना है, मतलब किसी और फोल्डर में जाके आपने सेव कर लेना है। यहाँ पे जब आप सेव करोगे ये आपका फोल्डर सेव होगा, ये वो है जितने भी आपने डाउनलोड की उसका ये सारा वो बैकअप है, वो आपने यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, सेव कर लेना है, ठीक है। अब आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करके जब दोबारा आओगे, फिर आपने क्या करना है, जब आप कंप्यूटर दोबारा बंद कर सकते हो, दोबारा रिस्टार्ट करोगे आके, तो आपने क्या करना है, इसी फोल्डर को जो आपने सेव किया उसको उठाना है, कॉपी करना है यहाँ से, और जहाँ पे आपकी गेम हो रही है वहाँ पे एक ऑटोमेटिक और फोल्डर बन चुका होगा, जो कि नया फोल्डर होगा नई गेम रिस्टार्ट स्टार्टिंग से, इसको आपने कर देना है डिलीट। इसकी जगह वो पहले वाला फोल्डर जो आपने सेव किया है उसको ला के यहाँ पे पेस्ट कर दो, उसको ला के पेस्ट कर दोगे, इससे रिप्लेस हो जाएगा वो, और आपकी गेम फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोडिंग, ठीक है। तो भाई ये बहुत प्रॉब्लम हो, मेरे साथ भी हो चुका है, तो आप लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ होगा। तो भाई जाओ, बहुत सिंपल ट्रिक है, तो गुड लक, खेलो गेम फ्री है, चलो मारो यशिया मारो, और लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, जिस जिसको वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह प्रॉपर गेमिंग वीडियो बना रहे हैं हम, वो आती है तो दो दिन तक बन जाएगी। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो घंटी है उसको तो ऐसे दबाना कि आवाज़ आ जाए, कैसे टन टना। चलो गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।